हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल लीना प्रेशर ब्लॉग, और मैं हूँ लीना। तो आज ही मेरे पास काम है। अभी जो टाइम हुआ है, दिन के 2 बजे का टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं और मेरे पास काम अभी जो है बहुत सारा बच गया है। वैसे हम लोग जो हैं खाना खा चुके हैं, जैसे बाद बनाऊंगी लंच। अभी इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगी, मतलब शाम के जैसे टाइम बनाएंगे, क्योंकि अब हम जो है ना 2 बार ही खाना खाते हैं। अच्छा, मतलब एक हम सुबह खा लेंगे, उतनी जल्दी सुबह नहीं खाते, मतलब कि 11 और 12 बजे के आसपास खा लेते हैं, और उसके बाद हम खाएंगे अब शाम को खाना। तो लंच जो है मैं बाद में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ करनी है सफाई रूम की, वो मैं करूँगी। दिखाती हूँ आपको कि कितनी गंदगी फैली हुई है, हालत ख़राब है। तो मतलब कि करनी ही पड़ेगी सफाई। काफ़ी दिन हो गए थे ये इतना मैस पड़ा हुआ था, इतनी हालत ख़राब थी कि पूछो ही मत। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुझे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। बैक पेन भी, यहाँ शोल्डर में दर्द हो रही थी, मतलब एक साइड दर्द हो रही थी सर्वाइकल की वजह से। तो उस वजह से ना मैं कोई कुछ और काम कर पा रही थी। जो मेरे बैग मुझे बनाने थे वो भी पेंडिंग रह गए थे। सिर्फ 2 बैग बने हैं, वो काफ़ी टाइम पहले के बने हुए हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मतलब कैसे बने हैं। उनमें भी अभी बैग कंप्लीट हो गए हैं, बट जो है कपड़ा लगाना उसमें रहता है, वो भी मैं लगाऊंगी। आज नहीं लगाऊंगी, हो सकता है कल या परसों लगाऊँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ और काम भी आ गया था जो अर्जेंट मुझे करना है। पर सबसे पहले ना मुझे सफाई करनी है। तो गंदगी दिखाती हूँ आपको, कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा गंदगी यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूछो ही मत कितना है। और यहाँ पर देखिए सिलाई मशीन रखी हुई है, ये सारा यहाँ पे ना, ये वाला सामान जो ये मैक्रेम आई थी, ये मैंने यहाँ पे रखी थी। यहाँ पे इसलिए रखी थी क्योंकि परे भी मेरे पास उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे ये सारा करूँगी मैं साफ़। और ये मेरा टेबल है, वहाँ पे जुराबे रखी हैं। यहाँ पे बता दूँ कि ये वाला जो मेरा टेबल है, यहाँ पर मैं अपनी नीटिंग की वीडियो शूट करती हूँ, तो आप मेरे नीटिंग वाले चैनल में जाके देख सकते हैं। और ये जो सॉक्स रह गई है, ये मुझे कंप्लीट करनी है, पर आज इसकी वीडियो नहीं जाएगी, इसकी वीडियो जो है कल जाएगी। तो ये रह गया है। और ये 2 बैग ना मैंने काफ़ी पहले के बना के कंप्लीट किए हैं, जो मुझे रह गए हैं। मतलब कंप्लीट तो बाहर से तो बन गया, लेकिन अंदर इसमें सिर्फ कपड़ा लगाना बचता है। तो कुछ और काम है वो भी रहते हैं, पहले ये सफाई जो है हम कर लेते हैं फटाफट से। देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी मेरे पास जो है सामान पड़ा है, ये थोड़ा नीटिंग का है, और एक बैग ना मैंने और लगाया हुआ है यहाँ पे। देखिए ये देखिए, पुराना वाला पैटर्न है, वही लगाया था मैंने। काफ़ी 4-5 बैग जो है मैंने इस पैटर्न से बनाए हैं। अब ये बैग दोबारा से मैं बना रही हूँ। एक बैग ये लगा हुआ है, ये ही मेरे पास जो है पेंडिंग बच गया, क्योंकि मेरे को उतने को जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। तो पहले जो है मैं ये सारा यहाँ पर से साफ़ करती हूँ फटाफट से, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो जी हाँ, मैं फटाफट से लगी थी सफाई करने। पहले मैंने सारा सामान एक साइड किया, दरी को उठा के रखा बाहर, उसके बाद लगा रही थी झाड़ू। अच्छे से मैंने फटाफट से सारे में झाड़ू लगाया। धूल भी हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा जो है खिड़कियों पे, तो मैंने वहाँ पे भी झाड़ू लगाया। झाड़ू से ही फिलहाल धूल साफ़ की, और टेबल के ऊपर जो जितना भी सामान रखा था ना, वो सारा हटा के मैंने साइड कर दिया। और इसके ऊपर जो कपड़े बिछा के रखे थे, उनको अच्छे से झाड़ कर दोबारा से टेबल पर बिछा दिया। और मशीन में भी अच्छे से कपड़ा मार कर इसको एक साइड रख दिया। टेबल की मैंने इस बार जो है जगह चेंज कर ली है, थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये हीटर देखिए, अनी ने बाहर निकाल के रख दिया था। पीछे ऐसे बारिश पड़ी गई थी तो उसको ठंडा हो गया था, तब उसने बाहर रख दिया था। अभी मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, पर थोड़ी थोड़ी ठंड हो ही रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद भी इस हीटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसको बाहर ही रखा, अंदर नहीं रखा। तो जी कचरे में जो है आज निकला है मैक्रेम और धागे ही, और कुछ नहीं है। बस अनी ने एक आधा आइसक्रीम खाई थी, उसकी जो स्पून वगैरह थी, बाकी किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं निकला है। थोड़ी बहुत डस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जो अन्नी के अक्सर कागज़ वगैरह मिल जाते हैं, उस तरह का कोई भी कचरा नहीं निकला है। तो अब मैं फटाफट से जो है बाहर से दरी को भी झाड़ के लेके आई थी, और अब दरी को दोबारा से यहीं पर बिछा दूँगी।
और दरी को मैंने अच्छे से जो है बिछा दिया। फिलहाल मैं यहाँ पर दरी ही बिछा रही हूँ, अभी कुछ नहीं बिछा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं ही यहाँ पर जो है इसकी मतलब प्रॉपर सीटिंग बनाती हूँ, क्योंकि नीटिंग का काम अब ज़्यादा होता है सर्दियों में। तो मतलब अपने लिए ये वाला कॉर्नर जो है मेरा नीटिंग का कॉर्नर है, तो यहाँ कोजी सा लुक देने के लिए मैं एक गद्दा बिछा देती ये हूँ। देखो, ये ना इतने सारे मैक्रेम हैं, इनको मैं ना यहाँ नहीं रखूँगी, इनको मैं ले जाऊँगी परे वाले रूम में। तो चलिए ले चलते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे हो चुकी है हमारी सफाई, आधा घंटा लग गया, ज़्यादा नहीं लग गया। बस ये सामान मैंने यहीं रख दिया है, जो सामान ज़्यादा बाहर पड़ा था उसको अंदर रख दिया, और यहाँ पर ये इस तरह से हो गया साफ। अब हम चलेंगे बाहर, यहाँ बैठेंगे। अंदर शर्मा जी ना मैच देख रहे हैं, शोर मचाया है वहाँ का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए मैंने जो है साफ़ सफाई कर दी है, मतलब जो मैं साफ़ कर रही थी वो मैंने कर ली है। तो काफ़ी टाइम हो गया था ना, मैंने कोई भी वीडियो जो है शूट नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो है वीडियो बना ली जाए। काफ़ी दिन हो गए, दिन इसलिए हो गए क्योंकि एक तो हमारे घर में मतलब एक्सपायर हो गए थे फैमिली में, तो उस वजह से जो 13 दिन वहाँ चले गए, उस वजह से अच्छा नहीं लगता ना फिर कि कोई वीडियो बनाओ या ब्लॉग बनाओ, तो उस वजह से मैंने नहीं डाली कोई भी वीडियो। फिर थोड़ा सा मतलब खुद की तबीयत भी हल्की रह रही क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये वाली स्वेटर जो मैंने मतलब बनाई थी भाई के बेटे के लिए, और उस टाइम मैं बना रही थी ना, पीछे की वीडियो जो मेरी गई है वो गई है इस स्वेटर की, उस टाइम मैं इसको बना ही रही थी, और अब ये बन के हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो ये देखिए हाफ स्वेटर है ये, हाफ बाजू की, स्लीवलेस कह सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए ये हमारी बाजू आई है, मतलब इस तरह से मैंने बनाया है इसको। सुई के साथ मैंने जो है बाजू बंद की है, और गला भी जो है सुई के साथ ही बनाया गया है। और यहाँ से देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं और ये गला है, मतलब काफ़ी अच्छी बनी है ये। आप बताइए कि कैसी बनी है। तो सही बनी है, मतलब देखने में लग रहा था कि फिनिशिंग अच्छी आ गई है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, मतलब ठीक बन गई है, अपनी तारीफ भी कर रही हूँ। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं आजकल आपको बता रही हूँ, मैं ना कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो कान्हा जी के लिए जो है ड्रेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेरे पास भी जो है लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा है, तो मेरे पास जो लाला है वो एक नंबर के हैं। तो जो मेरी सिस्टर है ना, उन्होंने भी जो है अपने साथ लाला रखे हुए हैं, और मतलब छोटी सिस्टर है मेरी, तो उसके जो लाला जी हैं वो हैं 3 नंबर के। उसके लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है, क्योंकि वो चली जाएगी वापस अभी कल जाएगी वो। तो मैंने सोचा कि उसने कहा कि दीदी ड्रेस बना दो क्योंकि विंटर्स आ गई है। तो ये बनी है जी हमारे लाला जी की ड्रेस, और ये इसकी बैक साइड है, और ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस आई है, वाइट कलर में ये बनी है। और इसकी कैप भी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है देखिए कैप, कैप कह लीजिए हेड कह लीजिए, तो इस तरह से ये इसकी टोपी बन के आ गई है। बहुत ही सुंदर ये बनी है, और मतलब अच्छी लगेगी पहनी हुई, जब पहनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, मतलब बाद में दिखा दूंगी, अभी क्योंकि यहाँ बनी है। तो ये देखिए ये है इसकी कान्हा जी की सेकंड ड्रेस, कान्हा जी के लिए जो है सेकंड ड्रेस बनाई है। तो सेम जो है पैटर्न यही रिपीट हुआ है, सिर्फ मतलब कलर अलग लगाया है मैंने, भी कोई किसी अनदर कलर से जो है आउटलाइनिंग इसमें नहीं की है, सिंपल जो है एक कलर से ही बनाई है ड्रेस, ये देखिए इस तरह से। और ये इसका फ्रंट है, ये बैक है, बैक में हमने लगाई है डोरी, इसके लिए भी हमने जो है हैट बनाई है, ये देखिए इस तरह से ये हैट है, जैसी मैंने पहले बनाई थी वाइट वाली वही है। और थर्ड जो मेरी ड्रेस है वो अभी बन रही है, मतलब प्रोग्रेस पे है, ये देखिए रेड कलर में ये बन रही है।
और दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस है। और ये पैटर्न पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, ये इस तरह से इसमें जो है पैटर्न आया है। अब ये बनी नहीं है, जब बन जाएगी तब मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ। तो एक और जो है प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, काफ़ी दिन हो गए इसको उतने को, फिर बीच में जो है सिस्टर आ गई थी, उसने कह दिया कि दीदी जो है काना के लिए ड्रेस बना दो, तो वो ड्रेस बना रही थी। तो ये है जी, देखिए ये इस तरह से मैं बना रही हूँ, ये है ना बेबी स्वेटर बन रही है और ये वन पीस बन रही है, मतलब कि इसमें बाजू टॉप डाउन कह सकते हैं आप इसको। तो इसको मैंने जो है शुरू किया है कॉलर से, ये देखिए यहाँ कॉलर से मैंने इसको शुरू किया है और ये टॉप डाउन स्वेटर बन रहा है। इसको मैंने अभी ज़्यादा नहीं बनाया है, बाजू ये इसके बाजू बनेंगे, यहाँ पे स्लीव्स आएंगी और जो तीन पीस है वो इकट्ठे बना रही हूँ। मतलब जब बन जाएगी तब मैं आपको कंप्लीट लुक इसका दिखाऊंगी। तो अब हो सकता है कि आगे की वीडियो शूट हो या ना हो, तो शूट हो जाएगी तो वो दिखा दूंगी, नहीं होगी तो वो भी दिखा दूंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।